हे गाइस, स्वागत है आपका फिर से इलेक्ट्रो सीएसी के इस यूट्यूब चैनल पे। हमारा जो ऐप था, अगर कोई यूज़र उसे अपना मोबाइल का डेटा ऑफ करके या फिर वाईफाई से वो कनेक्टेड नहीं है तब वो ऐप को लॉन्च करे तो उसके सामने एक मैसेज आए कि भाई आप इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है। वहाँ पर कुछ नो इंटरनेट का वहाँ पर एक मैसेज हम लोग को डिस्प्ले करवाना है, क्योंकि अगर सोचिए अगर इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है वो, तो फिर वो कैसे नोड एमसीयू के साथ कनेक्ट होगा। तो अभी हम लोग एंड्रॉयड स्टूडियो को ऑन कर रहे हैं। ये हमारा लास्ट प्रोजेक्ट ही है। अगर आज आप मेरे चैनल पे पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं, इसका 5 पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है मेरे चैनल पे, आप देखिए। पहले वो सब पीछे का बेसिक्स आपको क्लियर हो जाएंगे तो आपको यहाँ पर आप डायरेक्टली समझ पाएंगे ये सब क्या हो रहा है। इतना सारा कोड आपको सब कुछ स्टार्टिंग से बताया गया है। सबसे पहले देखिए, क्या अगर इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है तो मैं ये सब कोड को रन ही ना करवाऊँ। समझ रहे हैं कि मैं कुछ ऐसा कंडीशन लगाऊं कि इंटरनेट से या वाईफाई से वो कनेक्टेड नहीं है तो ये सब कोड चले ही नहीं, ऊपर ही रुक जाए। तो मैं क्या करने वाला हूं, यहां पर ऑन क्रिएट के अंदर ये फायरबेस जहां से भी शुरू हो रहा है इसके ऊपर हम लोग जगह बनाते हैं। इसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर कॉल करते हैं कनेक्टिविटी मैनेजर को। कनेक्टिविटी मैनेजर इसका नाम दे देते हैं कनेक्टिविटी मैनेजर ही। इसके बाद फिर इसमें आपको पास करना है कनेक्टिविटी मैनेजर, कास्ट करना है एक्चुअली कनेक्टिविटी मैनेजर को। हम लोग गेट सिस्टम सर्विस से डेटा लेने वाले हैं। कॉन्टेक्स्ट आपको लिखना है कॉन्टेक्स्ट डॉट कनेक्टिविटी सर्विस, कनेक्टिविटी सर्विस सेमीकोलन। इसके बाद हम लोग को कंडीशन चेक करना है, इफ अगर कनेक्टिविटी मैनेजर डॉट गेट नेटवर्क इन्फो, ये रहा गेट नेटवर्क इन्फो में आपको पास करना है कनेक्टिविटी मैनेजर डॉट टाइप मोबाइल गेट स्टेट इक्वल टू, पहले मैं टाइप कर लेता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ सब क्या हो रहा है। नेटवर्क डॉट कनेक्टेड, देखिए यहाँ पर हम लोग क्या लिखे हैं, कंडीशन चेक कर रहे हैं। अगर कनेक्टिविटी मैनेजर मतलब वो भी जो भी हमारा नेटवर्क मोबाइल टाइप या मोबाइल टाइप से कनेक्टिविटी मैनेजर हम लोग पहले फेच कर रहे हैं कि अगर मोबाइल से मोबाइल डेटा कनेक्टेड है या एक मिनट और या मतलब हम लोग यहाँ पे और ऑपरेटर लगाने वाले हैं, ये रहा और ऑपरेटर, इससे कनेक्टेड रहे मोबाइल डेटा से या फिर कनेक्टेड रहे वाईफाई से। ये देखिए हम लोग यहाँ पे और करके लिखें फिर से कनेक्टिविटी मैनेजर डॉट गेट नेटवर्क इन्फो कनेक्टिविटी मैनेजर टाइप वाईफाई, इस पर हम लोग वाईफाई से स्टेट ले रहे हैं। अगर वो कनेक्टेड है तो इस इफ ब्लॉक में आना, हम लोग क्या किए लास्ट में इफ इसका एक ब्लॉक बना दिए हैं। ये देखिए इफ ब्लॉक में आएगा, अगर दोनों में से कोई एक ट्रू भी हो गया तो फिर हमारा ये इफ ब्लॉक ट्रू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर और ऑपरेटर लगा रखे हैं, या तो मोबाइल से कनेक्टेड रहो या फिर वाईफाई से कनेक्टेड रहो। अगर इस ब्लॉक में आ गए तो इसके लिए हम लोग पहले क्या करते हैं, एक वेरिएबल बना लेते हैं, लेट्स से बूलियन का एक वेरिएबल बनाने वाले हैं जिसका नाम रहेगा कनेक्टेड। इनिशियली इसमें हम लोग साइन करने वाले हैं फॉल्स, कनेक्टेड में क्या असाइन कर देंगे ट्रू, ठीक है। अगर वो कनेक्टेड है दोनों में से किसी एक में तो कनेक्टेड को ट्रू कर देंगे, एल्स कनेक्टेड को हम लोग कर देंगे फॉल्स। अब इससे ये पता चलेगा कि अगर कनेक्टेड वेरिएबल ट्रू है डेट मीन्स मोबाइल डेटा से या फिर वाईफाई से वो हमारा फोन डिवाइस कनेक्टेड है। अब हम लोग नीचे क्या करने वाले हैं, एक कंडीशन लगाने वाले हैं, इफ अगर कनेक्टेड नहीं है, नॉट लगा दिए यहाँ पे, देखिए नॉट, इफ नॉट कनेक्टेड तो यहाँ पर हम लोग यूजर को डिस्प्ले करवाने वाले हैं। देखिए हम लोग डिस्प्ले को एक्सेस किए, डिस्प्ले सेट टेक्स्ट, टेक्स्ट में हम लोग क्या लिखने वाले हैं,
लेट्स से लिख देते हैं नो इंटरनेट, नो इंटरनेट वहां पे शो करवा दिए। इसके बाद फिर हम लोग डिस्प्ले डॉट सेट टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट कलर में कलर को मैं ब्लैक रखने वाला हूँ और मैं बैकग्राउंड कलर को, बैकग्राउंड कलर को मैं रेड करने वाला हूँ। अगर कनेक्टेड है तो ये एल्स ब्लॉक में नहीं, एफ ब्लॉक में नहीं जाएगा, एल्स ब्लॉक में जाएगा। एल्स में क्या लिखने वाले हैं, अपना पूरा कोड, ये जितना भी था। तभी भाई इतना चलना, फायरबेस से कनेक्शन लेना और सब कुछ करना, ये कहाँ तक चलेगा, लास्ट तक। ऑन क्रिएट, यहाँ पर आपको एक कर्ली ब्रेसेस और लगा देना है। गाइस बस हमारा कोड हो गया है, अब हम लोग बस रन करने वाले हैं। देखिए स्टार्टिंग में मेरा डेटा ऑफ है, देख रहे हैं, वाईफाई भी ऑफ है, डेटा भी ऑफ है। तो यहाँ पर जैसे ही मेरा ऐप रन होगा तो फिर यहाँ पर मैसेज दिखा देना चाहिए था, नो इंटरनेट। देखते हैं क्या दिखाता है। ये देखिए रेड कलर का बैकग्राउंड में दिखा दिया नो इंटरनेट। मोबाइल डेटा ऑन करके अगर मैं इसे लॉन्च करूं, देखिए यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे मतलब फ़ोन कनेक्टेड है बट NodeMCU ऑफलाइन है। ये सब हम लोग लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं NodeMCU से रिलेटेड। अब हम लोग वाईफाई से कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट हो गया, कनेक्ट हो गया है। अब हम लोग इसे लॉन्च करते हैं, मतलब फ़ोन कनेक्टेड है, NodeMCU ऑफलाइन है। आज जो हम लोग सीखने वाले थे यहाँ तक देख चुके हैं मोबाइल डेटा को डिटेक्ट करने के लिए, क्या वो कनेक्टेड है या नहीं। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही तक, हम लोग मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।